जी बच्चों आपको स्लाइड शेयर हो रही है, शो हो रही है? जी मैम जी हो रही है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, और ये नेक्स्ट पार्ट है माइटोसिस के ऑनवर्ड। आज अभी हम मियोसिस करने लगे हैं, ठीक है? तो मियोसिस, वैसे तो आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया है, लेकिन अभी हम जरा इसको ब्रीफली पढ़ेंगे कि क्या है मियोसिस। हिस्ट्री ऑफ मियोसिस अगर हम देखें तो सबसे पहले मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इसको सी अर्चन एग में देखा गया था 1876 में, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट में ऑस्कर हार्टविंग ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है? उसके बाद अगेन दोबारा से इसको 1883 में देखा गया एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स बाय द बेल्जियन जूलॉजिस्ट, ठीक है? ये जो है वो एडॉर्ड वैन बैंडन इन जो है वो एस्कैरस वर्म्स, ठीक है? ये जो बच्चों के पेट में समटाइम हो जाते हैं ना, जिसे हम कीड़े बोलते हैं छोटे बच्चों के पेट में, उनको एस्कैरिस वर्म बोलते हैं, ठीक है? उनके एग्स में ये सब जो है वो मियोसिस देखी गई थी कि किस तरह से मियोसिस होती है। उसके बाद द टर्म मियोसिस वॉज कॉइंड बाय द जेबी फार्मर एंड जेबी मोरी इन 1905। इन दोनों ने भी उसके बाद मियोसिस को डिस्कवर किया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम हिस्ट्री देखें तो तीन साइंटिस्ट हैं, तीन से चार डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मियोसिस पर काम किया है। उसके बाद अगर हम देखें मियोसिस को, तो मियोसिस अकर इन यूकेरियोटिक लाइफ साइकिल, ठीक है? ये यूकेरियोट्स में ज्यादातर होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कल के माइटोसिस में ऐसा होता है कि उनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती बल्कि एसेक्सुअल होती है। तो वहाँ पे बॉडी सेल्स ही मूव कर रहे होते हैं, बॉडी सेल्स एक से ज्यादा बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे माइटोसिस मियोसिस नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ माइटोसिस होती है। तो यूकेरियोटिक सेल्स में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है ज्यादातर। इट ऑलवेज अकर इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये ज्यादातर हमारे पास जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, गुनेड्स हैं, चाहे वो फीमेल मेल जो है वो गुनेड्स हैं, वहाँ पर होती है। उसके बाद ये कुछ लोअर प्लांट्स में भी होती है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट, जो हमने बॉटनी की डिफरेंट बुक्स में, जो हमारे पास फंजाई थी, उसके बाद हमारे पास ब्रायोफाइट्स थे, जिम्नोस्पर्म स्पीशीज में हमने ये वाली रिप्रोडक्शन जो है वो काफी डिटेल में पढ़ी है। इन हायर प्लांट इट अकर बिफोर फर्टिलाइजेशन इन टाइम ऑफ द गेमेट क्रिएशन, जब गेमेट्स न्यू बन रहे होते हैं, जैसे कि फ्यूजन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब न्यू गेमेट्स बन रहे होते हैं, उस वक्त मियोसिस होती है। और मियोसिस होने का मकसद होता है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं या जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हाफ हो जाए, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट इन प्रेजेंट। अभी हमने जब कल माइटोसिस का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन एज पेरेंट सेल, जितने पेरेंट सेल्स में होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, उनकी रिडक्शन हो जाएगी जब उन्होंने न्यू गैमेट जो है वो बनाने हैं। अब ये जो मियोसिस है ये किन किन एनिमल्स में ज्यादातर होती है, तो ये डिप्लॉइड एनिमल्स में होती है, क्योंकि हेप्लॉइड तो ऑलरेडी हेप्लॉइड है, उनके अंदर इसका कोई जो है वो जवाब नहीं बनता। हमारे पास जितने भी डिप्लॉयड एनिमल, जिनमें हम ह्यूमंस हैं, अदर डिफरेंट एनिमल्स, हनी बीज हैं, आंट्स हैं, जितने भी जो डिप्लॉयड एनिमल्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर मियोसिस होती है। मियोसिस टेक प्लेस इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, जब न्यू गेमीट्स बन रहे होते हैं उस वक्त होती है। अब अगर इसको हमने डिवीजन देखें तो इसकी दो डिवीजन है, सब डिवीजन में मियोसिस वन और मियोसिस टू। अब मियोसिस वन के अंदर भी फर्दर जो है वो इसकी फेजेज हैं, फेज वन, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज, टीलोफेज वन, और उसी तरह सेम प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज, और उसके बाद जाके क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरफेज इज सच डिस्क्राइब्ड बिफोर, जैसे हमने कल साल साइकिल आपको बताया था और उसके में इंटरफेज के अंदर चीजें बताई थी, उसी के बाद सबसे पहले स्टार्ट होती है मियोसिस टू वन। इट रिजल्ट इन टू डॉटर सेल्स ईच विद 23 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, हम अपनी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है? और अगर हम उसकी पेयर फॉर्म में देखें तो पेयर फॉर्म में 23 होते हैं, तो पेयर फॉर्म में जब 23 होते हैं तो मियोसिस के बाद वो जो है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है? सो देर आर कॉल्ड हैप्लॉइड नंबर्स। प्रोफेज वन में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा लंबी फेज होती है, मोस्टली 90% टाइम रिक्वायर फॉर मियोसिस प्रोफेज वन, जितना भी अगर 100 में से हम टाइम दें 90% का, तो 90% टाइम हमें चाहिए होती है प्रोफेज के लिए। उसके बाद जितनी भी फेजेस आती हैं उनको तीन दो दो तीन तीन मिनट में वो जल्दी जो है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द साइनेप्सिस, ठीक हो गया? जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, बाइवेलेंट बना लेते हैं, बिहेव एज अ होमोलोगस, मतलब दो क्रोमोसोम मिलकर एक क्रोमोसोम जब बन जाता है तो उसको हम कहते हैं जी
साइनेप्सिस, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं और उसके अलावा शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, खास तौर पे एमसीक्यूज के लिए आपने इन चीज़ों को रेडी करना है। उसके बाद वही वाली काम, न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलाई भी डिसअपेयर हो जाते हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम पहले बिल्कुल बारीक थ्रेड लाइक होता है, उसके बाद क्रोमोसोम थिक होके मोटा हो जाता है, ठीक है। इसकी फर्दर प्रोफेज के अंदर फर्दर डिवीजन है जिसको हम लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस बोलते हैं। अब इनकी तरतीब आपने याद रखनी है, मतलब तरतीब इस तरह से, जैसे अभी मैंने पढ़ा लिप्टोटीन, तो लिप्टोटीन फर्स्ट पे आ रहा है तो इसको आपने फर्स्ट के तौर पर याद करना है, ये नहीं करना कि सबसे पहले डायकाइनेसिस पढ़ लो फिर लैप्टोटीन, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस हैं ये तरतीब वाइज हो रहे हैं, तो इसलिए आपको ये नाम भी तरतीब वाइज याद करने पड़ेंगे। लैप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम थिक होकर छोटा हो जाता है, उसके अलावा वो विजिबल भी हो जाता है नेकेड आई से, साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जस्ट स्टार्ट पेयरिंग, मतलब पहले वो थ्रेड लाइक की तरह धागे की तरह पड़े हुए होते हैं, फिर वो जब मोटे होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ पेयर बनाना शुरू हो जाते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस स्टार्ट होती है, साइनेप्सिस क्या होती है, दो क्रोमोसोम्स मिलकर एक बाइवेलेंट बना देते हैं जिसे हम साइनेप्सिस बोलते हैं। पैचिटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस अभी कंप्लीट हो जाती है, बाइवेलेंट या इसको टेट्रावेलेंट कहते हैं, टेट्राड मतलब चार क्रोमोस, जो चार उसकी क्रोमाटिन होते हैं पार्ट छोटे वाले उसको हम कहते हैं, चार फोर क्रोमाटिड अराउंड ईच अदर, ठीक है। क्यास मेटा फॉर्मेशन होती है, नॉन कोविलेंट एसोसिएशन, मतलब जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनकी आपस में जो लेग्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करती हैं और आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स एट दीज पॉइंट ऑफ द क्यास मेटा। अभी ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखें जी, ये है एक क्रोमोसोम पूरा, इसको अगर ये जो येलो पार्ट है ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये जो दूसरा है ये एक क्रोमोसोम है, ये जब ये वाला क्रोमोसोम मिल जाता है आपस में, इस प्रोसेस को कहते हैं जी साइनेप्सिस, ठीक हो गया। लेकिन जब इसकी एक पार्ट, मतलब इसका जो एक क्रोमाटिड है वो इधर और इसका एक क्रोमाटिड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये आपस में एक अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। जब ये चीजें शिफ्ट होती हैं और इस जब ये इस तरह की जो एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब ये वाली एक दूसरे की क्रॉस करने वाली, इसको कहते हैं क्यास मेटा फॉर्मेशन। और क्रॉस करने के बाद जब ये देखें, जब इन्होंने अपना सेगमेंट, ये देखें इस येलो पार्ट में ये वाला ब्लू कलर सा आ गया और इस ब्लू में ये येलो पार्ट जो है वो इन्होंने अपना जेनेटिक मटीरियल चेंज कर लिया हुआ, तो इस चेंज जेनेटिक मटीरियल को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब एक और बात उन्होंने यहाँ पे की थी, उन्होंने कहा था कि ये दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के दरमियान में होता है, अच्छा ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होगा, तो क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज अकर एट द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी डिप्लोटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताई है, पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिपेल ले जाते हैं, जितने भी पेयरिंग होमोक्रोम्स थे ये देखें एक दूसरे को रिपेल कर दिया, अलग अलग हो गए, ये देखिए पहले यहाँ पे क्यास मेटा बनाई हुई थी, अब वो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गया, ठीक है। सेपरेशन डू नॉट कम्प्लीट ड्यू टू क्यास मेटा, ठीक है। उसके बाद डायकाइनेसिस में क्या होता है, सेपरेशन ऑलमोस्ट कम्प्लीट एक्सेप्ट वन और टू क्यास मेटा, कंडेंसेशन कम्प्लीट, यहाँ पे वो यही बता रहा है कि समटाइम क्या होता है कि जुड़े रहते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब ये बिल्कुल कम्प्लीट सेपरेशन हो जाती है तो वो डायकाइनेसिस में होती है। इसमें एक नोट भी है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ द मियोसिस आर सिमिलर विद माइटोसिस एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर एक्सेप्ट सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स बाय क्यास मेटा, नेक्स्ट स्टेजेस आर फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय द डायग्राम, ठीक है। उसको हम उन्होंने कहा कि इसकी जो नेक्स्ट फेजेस हैं, जो हमारे पास ये वाली फेजेस इसकी मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू जो है, वो कह रहा है कि जिस उसी तरह की बिल्कुल है जिस तरह की हमने किस में पढ़ी थी, उसके अंदर माइटोसिस के अंदर पढ़ी थी, वहां पे एक डिफरेंस था। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम ये देखें जी, इस तरह से एक मिनट, यस ये वाली, ये देखिए मेटाफेज है। अब वहां पे जो हमने कल माइटोसिस में पढ़ा था वहां पे सिर्फ एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ था और वो एक क्रोमोसोम दरमियान में यहाँ से सेपरेट होता था और ये पूरा क्रोमाटिड इधर और ये वाला पूरा क्रोमाटिड इधर। अब यहाँ पर क्या मौजूद है मेटाफेज वन में, मेटाफेज वन में ये है कि ये जो क्रोमोसोम है ये पूरे का पूरा, ये दो क्रोमोसोम यहाँ पे पड़े हुए, तो ये पूरा एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, पूरा एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, इसी तरह ये वाला क्रोमोसोम भी इधर और ये वाला क्रोमोसोम भी इधर, पूरा पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्या आ जाएंगे, आके
अटैच कर जाएंगे, सारे सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट के ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा ये देखिए, नेक्स्ट फेज है हमारे पास एनाफेज वन। तो एनाफेज वन में क्या होता है ये देखिए, एनाफेज वन में सारा क्रोमोसोम जो है वो पीछे की तरफ जो है वो पूरा एक क्रोमोसोम इधर और पूरा एक क्रोमोसोम इधर की तरफ जो है वो बैंड हो जाएगा, या बिल्कुल उसका जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये छोटे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये अपने अपने रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ जो है वो अपने पोल की तरफ जो है वो खींच लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाले टीलोफेज के ऊपर। तो टीलोफेज क्या होती है, टीलोफेज में हमने कल भी पढ़ा कि टीलोफेज वो लास्ट स्टेज होती है जिसमें फरो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, ईच पोल हैज नाउ कंप्लीट सेट ऑफ ईच क्रोमोसोम, मतलब हर पोल के पास एक पूरा पूरा क्रोमोसोम मौजूद है। जैसे कि ये देखिए आपको डायग्राम में पूरा एक क्रोमोसोम इस पोल के पास जो है वो मौजूद है। साइटोकाइनेसिस जो होती है वो अकर होती है साइमल्टेनियसली विद टीलोफेज वन फॉर्मिंग टू डॉटर सेल्स। ये जो साइटोकाइनेसिस होती है इसके नतीजे में क्या बनता है, साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होती है। अब याद रहे साइटोप्लाज्म में हमारे पास सारी ऑर्गेनेल्स आ जाती हैं, साइटोप्लाज्म में हमारे पास गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है वो हमारे पास आ जाती हैं, और वो ऑर्गेनेल्स जो है वो डबल हो जाती हैं, अपना साइज डबल करती हैं, प्लस जितना भी हमारे पास न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का साइज होता है वो भी डबल हो जाता है। ठीक है, क्लीविज फरो इन एनिमल्स एंड फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट इन प्लांट सेल्स। ठीक है, वो कह रहा है कि अब हमारे इन दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस है कि जो क्लीविज फरो है वो एनिमल में बनती है, लेकिन जिस तरह एक ईंट की दीवार नहीं बन जाती एक साइड इधर और एक साइड उधर, इस तरह की एक प्लेट बन जाती है वो प्लांट सेल्स में होती है। क्योंकि अभी हमारा वो लिंक नहीं है ना प्लांट सेल्स के बारे में डिस्कस करने का, इसलिए मैंने प्लांट सेल्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो आपको फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो प्लांट में होती है। देर इज नो फर्दर एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल एंड सेकेंड डिवीजन स्टार्ट। अब यहाँ पे एक डिवीजन स्टार्ट एंड हुई है, यहाँ पे कौन सी वाली डिवीजन एंड हुई है, जो हमारे पास है मियोसिस वन। अब मियोसिस वन की कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर देखनी थी जो हमने अभी पढ़ी थी, सेपरेशन ऑफ एलील लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब ये देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देखें जी एच आई, बंद करो रिजुद्दीन बंद करो, अच्छा जी एच आई जे के एल एम, ये देखो इस तरह से ये सीरीज यहाँ पे मौजूद है। ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं ये जी एच इधर आ जाएगा और ये वाले जी एच जो स्मॉलर है ये इधर चला जाएगा। देखेंगे आपको कैपिटल नजर आ रहा है और ये आपको स्मॉलर नजर आ रहा है। इस तरह वो कह रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास सेपरेशन ऑफ अलील है वो लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ओनली क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक्सचेंज सेगमेंट को एक्सचेंज करेगा। उसके बाद इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रॉसिंग ओवर की जो हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंस वो क्या है, तो वो सबसे पहले ये है कि ये एवोल्यूशन को लीड करता है, प्लस ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन न्यू जितने भी न्यू कम्बिनेशन होते हैं उनको जनरेट करता है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर वेरीज अमोंग द स्पीशीज। जितनी भी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने पेरेंट्स, जितने भी हमारे सिबलिंग्स हैं हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर डिफरेंट वेरिएशन आती हैं। वो इस वजह से आती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जेनेटिक जो कम्बिनेशन हैं वो चेंज हो जाते हैं और वेरिएशन जो है वो आती हैं, लाजमी आती हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में। उसके बाद यूजली वन और सेवरल क्रॉसिंग ओवर अकर एट द सेम टाइम ऑन द क्रोमोसोम्स पे, एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये देखें ये एक क्यास्मेटा बना, यहाँ से एक और इधर आ सकता है, यहाँ से भी ये दोबारा इधर आ सकता है। तो वो कहता है एक ही क्रोमोसोम ये भी ऊपर वाले जो है वो आपस में क्यास्मेटा बना सकते हैं। तो कहते हैं एक ही क्रोमोसोम बहुत ज्यादा क्यास्मेटा फॉर्मेशन बनती है, और जितनी ज्यादा क्यास्मेटा फॉर्मेशन होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रॉसिंग ओवर होगी, उतना जेनेटिक मटेरियल वेरिएशन आएंगी और वो जो है वो एवोल्यूशन को जो है वो लीड करेगा। उसके बाद जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर के ऊपर कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर, सबसे पहले तो इट टेंडेंसी टू रिडक्शन ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इन मेल्स। ठीक है, मेल मेंबर्स में सबसे ज्यादा जो सबसे कम ये टेंडेंसी होती है क्रॉसिंग ओवर की। मैचुरेशन क्या है, ये जो है वो रिड्यूसेस क्रॉसिंग ओवर, जितने भी म्यूटेशंस आती हैं हमारी बॉडी में किसी भी जो एक्सपोजर की वजह से, चाहे वो हमारे पास एक्सरे एक्सपोजर है, चाहे वो कोई भी केमिकल एक्सपोजर है, मेल न्यूट्रेशन है, कोई भी इस तरह की जो म्यूटेशन अगर आ जाती हैं तो वो भी
क्रॉसिंग ओवर को कम कर देती हैं। उसके अलावा टेम्परेचर हाई एंड लो टेम्परेचर वेरिएशन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जितना अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी क्रॉसिंग ओवर को, जिन एरियाज में ये वेरिएशन जो है वो बहुत कम होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है या फिर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। एक्सरे इफेक्ट भी करता है, एक्सरे रेडिएशन इंक्रीज क्रॉसिंग ओवर नियर सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर कहाँ पे होता है जी, ये देखें सेंट्रोमेर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो एक सेंटर है इसको कहते हैं सेंट्रोमेर। तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर जो है वो ज़्यादा, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्या होती हैं, क्रॉसिंग ओवर इसी इंक्रीज होती है। बिल्कुल सेंट्रोमेर के जो साथ साथ पार्ट होता है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होती है, जितना दूर होगा वो क्रॉसिंग ओवर वहाँ पे कम होगी, ठीक है। ओल्डर एज इज इंक्रीज द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जितनी ज़्यादा एज अगर ज़्यादा होती जाएगी तो क्रॉसिंग ओवर का जो चांसेस हैं या क्रॉसिंग ओवर का जो रेट है वो कम होता चला जाएगा। ये देखें आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हमने एनिमल सेल्स की कुछ डायग्राम्स डाली हैं। ये वाली आपको नज़र आ रही है, देखिए फोर सेल्स मियोसिस बनने के बाद, और इस तरह से ये एक कम्प्लीट हमारे पास माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिसमें हमको डिफरेंट स्टेजेस जो है वो नज़र आ रही हैं। इस तरह से ये वाली, ये देखें ये आपको डिफरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास प्रोफेज का, ठीक है। ओके जी, ये देखें जी टीलोफेज ये होती है, इस तरह से पूरा जेनेटिक फरो फॉर्मेशन बन जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स अराउंड द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स, ठीक है। टू न्यू डिप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या होता है न्यू सेल्स बन जाते हैं दो, यहाँ पर एक ये और एक ये, देखिए पूरा पूरा क्रोमोसोम है हर सेल के पास, यहाँ पे अब हमारे पास चार क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगी टीलोफेज साइटोकाइनेसिस। अब अगर हम मियोसिस वन को ओवरऑल उसका एक देखें, उसका जो चार्ट फ्लो देखें, तो ये सबसे पहले हमारे पास मियोसिस इंटरफेज में ये देखिए इस तरह से क्रोमाटिन बढ़ा हुआ होता है, ये इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है। और सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल पेयर, अब ये जो अभी दो यहाँ पर पड़े हुए हैं ये देखें एक दूसरे से जुदा होने लग गए हैं। जितने भी हमारे पास सेंट्रोसोम्स हैं ये एक दूसरे के पोल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो थिक हो गए हैं, जो प्रोफेज वन है इसमें थिक होना शुरू हो गए हैं, इनके आपस में क्यास्मेटा फॉर्मेशन होने लग गई है, क्रोमोसोम्स आपस में ज्वाइन कर गए हैं, टेट्रड बन गया। ये टेट्रड कहते हैं चार को, जैसे दो क्रोमोसोम चार, दो क्रोमोसोम का आपस में मिलना और ये चार क्रोमोसोम जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स, ठीक है। साइनेप्सिस क्या होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस टू फॉर्म अ टेट्रड। उसके बाद आ जाती है मेटाफेज, मेटाफेज में देखें आपको नजर आ रहा है दो क्रोमोसोम, एक ब्लू और एक दूसरा रेड, ये एक एक ही प्लेट पर आके जो है वो ज्वाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास एनाफेज में, तो एनाफेज में दोनों एक दूसरे के जो है वो दूर जाना शुरू हो गए हैं और अपने अपने पोल की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एंड होती है हमारे पास मियोसिस वन। अब नेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है मियोसिस टू। तो मियोसिस टू जो है वो हमारे पास हाउ मियोसिस रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किस तरह से रिड्यूस करती है, जैसे अभी देखेंगे प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज। अब इसमें एक और बात है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मियोसिस टू इज इक्विलेंट टू माइटोसिस, जो हमने कल पढ़ी थी माइटोसिस उसी जैसी है बिल्कुल मियोसिस भी। तो ये आपको थोड़ा इसका हम डिफरेंस ही करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है माइटोसिस। ये देखिए हमारे पास क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, माइटोसिस में हमारे पास क्या है एक एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, और इधर मियोसिस में हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, अगर ये हम दोनों का कंपैरिजन करें वन का पहले, तो यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये देखें एक एक क्रोमोसोम इक्वेटर के ऊपर आ गया, यहाँ पर हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर क्या हुआ एक एक क्रोमोसोम आगे शिफ्ट हुआ टू एन, और यहाँ पे देखें पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है वो शिफ्ट हुआ है। इसके नतीजे में दो डॉटर सेल्स बने हैं, इसके नतीजे में हमारे पास फोर डॉटर सेल्स बने हैं, और सारे ही के सारे क्या है हमारे पास हैप्लॉइड है, यहाँ पे सारे के सारे क्या है हमारे पास डिप्लॉइड है। तो ये आपको डिफरेंस आना चाहिए दोनों का, मियोसिस का भी और माइटोसिस का भी डिफरेंस आना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। सबसे पहले माइटोसिस जो का हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या कहाँ पे होती है, अक्कर इन द बॉडी सेल्स। माइटोसिस कहाँ पे होती है, ये बॉडी सेल्स की होती है, मतलब जो सोमैटिक सेल्स होते हैं हमारे नोज सेल्स है, हमारे टो सेल्स है, हैंड है, डिफरेंट सेल्स हैं इनके। मियोसिस अक्कर्स इन ओनली रिप्रोडक्टिव सेल, जो जर्म सेल्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल उनके अंदर ओनली सिर्फ होती है ये। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम इन द डॉटर सेल्स, यहाँ के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहते हैं डॉटर सेल्स में, लेकिन मियोसिस में क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ इन द डॉटर सेल, दोनों में हाफ हो जाते हैं। उसके बाद माइटोसिस में डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, ये क्योंकि हमने कल इसकी एग्जांपल में मैंने दिया था जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं, जैसे बडिंग हो गई, फ्यूजन हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई, वो सारी माइटोसिस की वजह से होती हैं, तो इसलिए उनके नतीजे में बनने वाले न्यू सेल्स के अंदर सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट की तरह का। लेकिन मियोसिस में जैसे कि अभी हमने पढ़ा उसके अंदर साइनेप्सिस होती है, उसके
अंदर टेक्टेड फॉर्मेशन होती है, फिर उसके अंदर क्यास्मेटा फॉर्मेशन होती है, फिर क्रॉसिंग ओवर होती है. तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही ये है कि जेनेटिक वेरिएशन आना. इसलिए डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट. जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स का जो थंब एक्सप्रेशन है वो हमारे जैसा नहीं होता, ऑल दो हमारी पेरेंट्स, हमारी शक्ल, आवाज़ या कुछ चीज़ें हमारी पेरेंट्स से मिल रही होती हैं, समटाइम पूरी मुशाबत भी पेरेंट्स से मिल रही होती है, लेकिन फिर भी हमारा DNA फिंगरप्रिंट जो है वो ख़ास तौर पर हमारा सेपरेट ही होता है. डिफरेंट टू द पेरेंट सेल्स एंड ईच अदर. ठीक है, आपस में भी उनका डिफरेंट होता है, सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का, और पेरेंट्स के साथ भी उनका डिफरेंट होता है. टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. इसके नतीजे में जैसे मैंने अभी ये इस डायग्राम में आपको दिखाया कि यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनती है और दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं, और इधर क्या होते हैं, फोर डॉटर सेल्स बनती है और फोर जो है वो आके हैप्लॉयड होते हैं. इधर हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट कम टुगेदर. यहाँ पे हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होते माइटोसिस में, इसलिए वो पूरा पूरा एक हैप्लॉयड क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम होता है जो कि सेपरेट हो जाता है. ठीक है, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन क्रोमोसोम. जाहिर है इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इसलिए इधर जेनेटिक मटीरियल भी चेंज नहीं होता, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, इस वजह से इनका जेनेटिक मटीरियल भी चेंज हो जाता है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अब मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है. तो ओनली हैपन्स व्हेन फॉर गैमीट फॉर्मेशन. जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी होती है तब ही हमारे पास मियोसिस होती है. उसके बाद डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड फॉर्म ईच अदर. जितने भी डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से. उसके बाद क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट. अच्छा, ये रैंडम असॉर्टमेंट है, ये आपने मेंडल्स के लॉज पढ़े हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी यही होता है कि जितने भी क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो डिसाइडेड नहीं होती है कि क्रोमोसोम्स किस क्रोमोसोम के साथ करेगा या किस पॉइंट पे करेगा, फॉर एग्जांपल. ठीक है, अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है ये रैंडम होती है, मतलब किसी भी पार्ट पे हो सकती है, किसी भी क्रोमोसोम के साथ जो है वो हो सकती है. तो यहाँ पे वो यही बात कह रहा है कि रैंडम असॉर्टमेंट होती है कॉज जेनेटिक रिकम्बिनेशन विच वर्क एज अ रॉ मटीरियल फॉर द एवोल्यूशन. अब ये जो अगर हम अपनी अपेरेंस में देखें अकॉर्डिंग टू डार्विन या अकॉर्डिंग टू अदर लामार्क व्यूज के जो है वो एवोल्यूशन के, अब हमारी बॉडी में नंबर ऑफ एवोल्यूशंस हुई हैं. जैसे हमारी बॉडी में अभी भी एक पार्ट ऐसा है जो कि रेमनेंट है, मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, जैसे जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं. तो अपेंडिक्स क्या है, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो कहते हैं कि अपेंडिक्स जो है वो ओनली हर्बीवोर्स में पाया जाता था, ऐसे एनिमल जिनके अंदर जो सिर्फ ग्रासेस के ऊपर फीड करते थे. अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई तो हम ओमनीवोर्स हैं. ओमनीवोर्स मतलब हम फीडिंग करते हैं ग्रासेस की भी और डिफरेंट मीट की भी. तो अब ये हमारी बॉडी में ऐसा कोई फंक्शन प्ले नहीं करता, ये बिल्कुल ऐसा रेमनेंट पड़ा हुआ है और ये सिर्फ हर्बीवोर्स में ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स ऐसे पड़े होते थे जो ग्रासेस के सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे. उसके बाद आ जाता है परमिट द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ गैमेट्स. ठीक है, ये ज़्यादातर जितने भी हमारे पास गैमेट्स पड़े होते हैं उनकी फॉर्मेशन को अलाउ करता है. फॉर एवरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक पार्टिकुलर एंड यूनिक प्रोसेस होता है इस मियोसिस का. एक्सटेंशन रेट इज लो. अब कल मैंने एक आपको एग्जाम्पल दी थी क्लोनिंग की. क्लोनिंग क्या होता है कि एक ही जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं. ठीक है, और उनका एक्सटिंक्शन रेट जो होता है वो हाई होता है. एक्सटिंक्शन रेट जो हमारे पास मियोसिस का होता है वो क्या होता है, लो होता है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन जनरेशन. यहाँ पर जो मियोसिस होती है वो इसलिए की जाती है कि उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए होते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा हो जाते हैं अगर इस तरह से मियोसिस उसके अंदर ना हो. ठीक है, अब नॉर्मेलिटीज अगर इसके अंदर हों तो लीड सिंड्रोम इसके अंदर होता है. अब वो वाली जो विपटीज है मैं आपको सजेशन ऑफ रीडिंग में सेंड करूंगी, आपने उनको रीडिंग करनी है, प्लस मैं उसके अंदर से आपको MCQs वगैरह या क्विज वगैरह उसी के अंदर से लूंगी, विच आर इंस्ट्रक्ट फॉर द जेनेटिक एंड एक्सेप्शन. ठीक है, इसके अंदर इतनी अबनॉर्मेलिटीज होती है, समटाइम बंदे का सर्वाइवर रेट भी खत्म हो जाता है, या अगर वो सर्वाइव करता है तो विद हाई रेट ऑफ म्यूटेशन या एबनॉर्मेलिटी, कि उसका सर्वाइवर रेट जो है वो कम हो जाता है. ठीक है, उसके बाद आफ्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस एंड मियोसिस वी केम इन पॉइंट दैट वी मस्ट गेन अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेल डिवीजन, इट्स प्रिंसिपल मैकेनिज्म, कंट्रोल एंड डिसऑर्डर. इन सारी चीज़ों पे हमें कंप्लीट ग्रिप होगी तभी हमें जो है वो उसकी डिवेलपमेंट प्रोसेस और सारी चीज़ें समझ में आएंगी. उसके बाद है कैरियोटाइप एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्स एंड वाई
क्रोमोसोम इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू डिस्कस जो है वो डिफरेंट जितने भी हमारे पास रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं या जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने के लिए हमें माइटोसिस मियोसिस इनके प्रिंसिपल्स मैकेनिज्म सारी चीज़ें जो है वो सेल साइकिल की चीज़ें भी हमें जो है वो समझ आनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एरर्स इन मियोसिस। ठीक है, एरर्स इन मियोसिस में हमारे पास आ जाता है नॉन डिसजंक्शन। सबसे पहले तो नॉन डिसजंक्शन में हमारे पास फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेपरेट फ्रॉम वन एन अदर। ठीक है, सबसे पहले जो जितने भी हमारे पास फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। दे मूव ऑपोजिट पोल ड्यूरिंग आइदर मियोटिक डिवीजन या आइदर माइटोसिस। इसमें क्या होता है जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखें जी। अब यहाँ पर हमारे पास पूरा एक क्रोमोसोम था तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पर शिफ्ट होना था, लेकिन क्या हुआ ये देखें, यहाँ पर ये दोनों ही एक साइड पर शिफ्ट हो गए और ये वाली साइड जो है वो ये वाली साइड बिल्कुल खाली रहेगी। ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल एज अ एम्प्टी फाइल रह गई। अब ये वाला अगर इधर शिफ्ट होगा, ये देखिए एन प्लस वन, यहाँ पर तीन हो गए हैं और यहाँ पर क्या हो गया वन। तो इसका मतलब है कि ये म्यूटेशन हुई है, एरर हुआ है, इसका मतलब इसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब ये दो डेफिनेशन भी आपको आने चाहिए। नंबर वन डेफिनेशन है जी डिसजंक्शन। डिसजंक्शन होती है द प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिसजंक्शन। और अगर आ जाए नॉन डिसजंक्शन तो इसका मतलब होता है इम्प्रॉपर फेलियर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द नॉन डिसजंक्शन। ठीक हो गया। तो इसकी आगे फर्दर एक डेफिनेशन है एनियोप्लाइडी। ठीक है, एनियोप्लाइडी गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स विद मिसिंग और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, इनको हम कहते हैं एनप्लॉयड फॉर्मेशन। तो वो मैंने आपको अभी इस डायग्राम में ये वाली बताई है। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स में जैसे हमारे पास ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं तो ये बिल्कुल प्रॉपर है, ये भी हैप्लॉइड है, ये वाला भी हैप्लॉइड है। ठीक हो गया, ये दो क्रोमोसोम्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें मियोसिस टू की, तो मियोसिस टू में जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने जब सेपरेट होना होता है तो एक तरफ पूरा एक या दूसरी तरफ, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है ये जो इधर एक पड़ा हुआ है ये भी सारे का सारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मतलब ये पूरा ही एम्प्टी हो जाए। तो इस केस में तो बहुत ज़्यादा सीवियर और लीथल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर और इतनी सीवियर किस्म की एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, उसके अलावा किट चैट जो है वो चैट ड्यू सिंड्रोम है जिसमें बच्चों इंसान की आवाज़ जो है वो बिल्कुल कैट की तरह जो होती है, डाउन सिंड्रोम में मेल लाइक अपेरेंस आ जाती है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम में जो मेल में फीमेल लाइक अपेरेंस आ जाती है। तो ये डिफरेंट आगे इसके सिंड्रोम्स हैं जो इसमें आपको मैं आपको सेंड कर दूँगी पीपीटी, आपने उसको जो है वो रीड आउट करना है लास्ट में। ठीक है, और ये जो अभी हमने ये जो सारी चीज़ें बुक पढ़ी हैं ये स्टीफन मिलर एंड हार्ले का जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक सेल साइकिल एवोल्यूशन वगैरह के फिफ्थ एडिशन से हमने ये लिया है। और इसके बारे में अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो लास्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।